हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जान गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपके इंटरव्यू बेस्ड भर्ती है और कैसा क्या है इसमें हम सभी चीज को देखने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही में वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक अभी कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। इससे पहले कि दोस्तों हम आपका नोटिफिकेशन देखें, आप लोगों से बोलना चाहेंगे, आप लोगों का सीआरपीएफ टेट 7 का एग्जाम बहुत नियर आ गया है। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिर आपके पास टाइम भी नहीं है और आपको सबसे अलग चलना है कॉम्पिटिशन की लाइन में, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। दोस्तों हमने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराए हैं, जैसे कि बहुत से फ्रेंड्स परचेज भी कर चुके हैं और आप लोगों से भी राय रहेगी यहाँ से नहीं तो कहीं और से, बट आपको प्रैक्टिस सेट लगाना अनिवार्य है जिससे कि आपका स्कोर अच्छा आ सके। दोस्तों यदि आप कोक, टेबल बॉय, बाटर कैरियर इत्यादि से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 199 रुपीज में 500 रेट के क्वेश्चन है और बुक दोनों ही प्लस में आपको साथ में मिलने वाले हैं पीडीएफ के फॉर्म में। आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप फोन पे के द्वारा पेमेंट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपका जो सफाई कर्मी टेट के क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल कराए हैं 130 रुपीज में, 500 क्वेश्चन है आपके। यदि आप 1000 क्वेश्चन चाहते हैं तो आपका जीके प्लस टेट दोनों ही कवर हो जाएगा 150 रुपीज में, जहाँ की आप थोड़े और नीचे आएंगे तो आपको ये सेट भी अवेलेबल हो जाएंगे। 500 प्रश्न आपके रहेंगे पार्ट ए के, 500 प्रश्न आपके रहेंगे पार्ट बी के, 150 रुपीज। ओके, तो आप दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। आपको पसंद आए तो आप प्लीज अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% डन हो जाए। बट डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस जरूर कीजिए क्योंकि आपके पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम है। आप ऐसे ही ना गवा दें, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब लाखों में कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं फिजिकल को और बहुत सारे कैंडिडेट आपका एग्जाम देने वाले हैं और पोस्ट आपकी कितनी कम है आपको पता है, तो आपको सबसे अलग चलना है, सबसे हटके चलना है, आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे, अपनी तैयारी अच्छी करनी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आपका नोटिफिकेशन। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अगली स्लाइड में जहां पर आपको मैं नोटिस दिखाने वाला हूँ जो कि कल ही रिलीज हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑफिस ऑफ द कमांडेंट 31 BN CRPF मयूर विहार फेज 31 न्यू दिल्ली, ये एड्रेस दिया गया है। एंड इसके साथ साथ दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट दिया है, दिस यूनिट आपका दिया गया इंटेंट्स टू एंगेज फॉलोइंग मेल कैजुअल लेबर्स स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वन डेली वेज बेसिस, आपका बोला गया इंटरेस्टेड कैंडिडेट विल अटेंड एन इंटरव्यू वाया वार्ड ऑफिस वन, यहां पे दिया 27/10/2021, मतलब कि 27/10/2021 को आपका इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पर 130 आवर्स है और नेक्स्ट आपका एड्रेस दिया गया है 31 VN CRPF मयूर विहार फेज 3 न्यू दिल्ली अलोंग विद रिक्वायर्ड एजुकेशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट एंड वोटर आईडी आधार कार्ड आधार आपका। दोस्तों ये सारी चीजें हैं जैसे कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है आप यदि स्किल्ड हैं, नॉन स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं और इसके साथ साथ बोला गया है क्या कि आपका दोस्तों इंटरव्यू होगा जो कि 27/10/2021 में होने वाला है। यदि आप इच्छुक हैं तो आपको यहाँ पर जाना होगा आपके सर्टिफिकेट्स लेकर, ओके, जो जो है आधार कार्ड है आपका, वोटर आईडी कार्ड है या फिर जो भी सर्टिफिकेट है वो सारी। अब चलिए यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट करके हम देखते हैं यहाँ पे मेंशन स्किल एंड अनस्किल्ड। यहाँ पे वर्कफोर्स जनरल शिफ्ट बेसिस यहाँ पर 800 आवर्स से 1800 आवर्स यहाँ पे बोला गया है दोस्तों सेबरमैन के लिए आपका स्किल्ड अनस्किल्ड। यहाँ पर वन पोस्ट जनरल शिफ्ट बेसिस 800 से आपका 1800 आवर्स। यहाँ पे बोला गया है एज पर द रेट फिक्स बाय द दिल्ली गवर्नमेंट फॉर स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर रिस्पेक्टिवली, मतलब कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है जिस जो आपको वहाँ पे पेमेंट मिलता है वहाँ पे उसी हिसाब से मिलने वाला है जैसे कि वहाँ पे फिक्स किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा। क्वालिफिकेशन के बारे में बोला गया है ITIR एक्सपीरियंस एंड रिस्पेक्टिव फील्ड्स फॉर द पोस्ट मेंटेनेंट। दोस्तों तो आपके यहाँ पे बोल गए आपका ITI होना चाहिए या फिर इसी से संबंधित आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर एज लिमिट का बात किया गया है 18-40 इयर्स, मतलब कि दोस्तों 18 से 40 साल तक आपकी आयु होनी चाहिए। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन तो बोला गया है आपकी अंतिम तिथि है दोस्तों 25/10/2021 तक आपके आवेदन वहां पर लिए जाएंगे या प्राप्त किए जाएंगे।
इसी प्रकार से डेफेंस बोला गया है क्या डेट ऑफ इंटरव्यू, जैसे कि आपको पता है इंटरव्यू बेस्ड जॉब रहने वाली है, तो आपका यहाँ पे बोला गया है कि 27 दिसंबर 2021 को आपका इंटरव्यू होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि टर्म एंड कंडीशन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द एंगेजमेंट विल बी ऑन डेली बेसिस एंड टोटली टेम्परेरी बेसिस, मतलब कि दोस्तों आपका जो रेगुलर बेसिस है भर्ती है और आपकी टोटली टेम्परेरी है, मतलब कि स्थायी नहीं है कि हाँ आप चलो लग गई तो अच्छी बात है, कभी भी आप हट सकते हैं ऐसा है इसमें। और क्या बोला गया, इफ अ लेबर कमेंट्स मिसकंडक्ट एंड द सेम इज प्रोवाइड हिज सर्विस विल बी टर्मिनेटेड द इमिडिएटली इफेक्ट द विल नॉट बी आपका बोला गया इंस्टिलेट टू द बेनिफिट ऑफ सर्विस। तो दोस्तों आपसे बोल रहे हैं कि आपका यहाँ पर यदि आपको मिसकंडक्ट कुछ गलत करते हुए पकड़ा जाता है तो आपको तुरंत वहां से हटाया जाएगा। ओके, ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको पद से हटाया ना जाए। और इसी के बारे में दोस्तों बहुत सी चीजें दी गई हैं, जैसे कि आप द कैजुअल वर्क में बी गिवन वन वीकली ऑफ आफ्टर 6 डेज कंटिन्यूस वर्क पेमेंट टू द कैजुअल वर्क्स में बी। तो दोस्तों यही बोला गया है कि आपके जो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 1 दिन आपको ऑफ भी रहेगा, मतलब कि 1 दिन छुट्टी रहेगी, और आपके जो 6 दिन हैं वो वर्किंग डेज रहेंगे। रेस्ट्रिक्टेड आपका ओनली द डेज ऑफ विच दे एक्चुअली परफॉर्म, आपका दोस्तों यही बोला गया है कि आपका 1 दिन रहेगा उसमें आपको छुट्टी रहेगी, और 6 दिन का जितना आपका जो कुछ बनेगा उसके हिसाब से पेमेंट मिलने वाली है। नो बेनिफिट्स अदर देन स्पेसिफाइड अब विल बी एडमिसिबल टू द कैजुअल लेबर विद टेम्परेरी स्टेटस। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी जो इम्पोर्टेंट थी, मैंने बता दी हैं, बाकी यहाँ पे जेबो लगाए और कुछ नहीं है।